देखिए रेवाड़ी पहुंचे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक शादी समारोह में गिरीश भारद्वाज जी के। तो सीधा कुछ बातें कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि इन दिनों राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन का, क्योंकि तीनों कृषि बिलों को रद्द कर दिया गया है, उसके बावजूद भी किसान एमएसपी पे अड़े हुए हैं। चौटाला साहब से पूछते हैं, पर क्या कुछ कहना है चौटाला जी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? केवल एमएसपी पे नहीं है, मैं वही पूछा, कई सारे और मुद्दे हैं, मामले हैं और टैक्सों के मामले हैं। और केंद्र की सरकार को चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इस पिछले अधिवेशन में एक ऐसा कानून बना दिया कि किसान की भूमि अधिग्रहण करने के लिए 24 घंटे का नोटिस काफी है, और इसकी पावर जो है डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीजीओ तक को देती है। और सबसे दुखदायी बात एक और हुई कि जो जमीन किसान की अधिग्रहण की जाएगी, उस जमीन में से किसान की अगर बिजली की मोटर है, जनरेटर है, कोई उसका सामान है, कोई ट्रैक्टर का सामान है, कोई और जो कोई भी सामान खेत में है, वो किसान वहां से ले नहीं सकता, वो भी उसके साथ सकता है। एक एक चीज हो रहा है चौटाला साहब, जिस तरीके से कल मीटिंग हुई किसानों की और उन्होंने एक 5 कमेटी गठित की है कि बात की जाएगी तमाम मुद्दों के ऊपर, आपको लगता है जैसे बयानबाजी अभी भी किसानों को लेकर आ रही है? स्वामी धर्मदेव जी कहते हैं कि इनको अभी रेवाड़ी आए थे कुछ दिन पहले और वो कह रहे हैं इनको दूसरे तरीके से अब उठाना चाहिए किसानों को। क्या करना चाहिए? दूसरे तरीके लठतंत्र से उठाना चाहिए कि प्रधानमंत्री की बात को अब भी नहीं मान रहे, 3 कृषि कानून रद्द हो गए हैं उसके बावजूद भी नहीं उठ रहे। स्वामी धर्मदेव जी पटौदी के जो स्वामी धर्मदेव को नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने भी यही बात कहा था कि इन लोगों को लाठियां इस्तेमाल की है, और करनाल में तो एसडीएम ने ऑर्डर दिया था कि इनके सर फोड़ दिए जाए, और उस वजह से एक आदमी का मर्डर हो गया था। तो ये तो इनकी तो भाषा ही ऐसी है, और इस वजह से दुखी लोगों ने अब इनसे बात करना बंद कर दिया है। इवन मुख्यमंत्री को उसके अपने असेंबली हलके में उसके हेलीकॉप्टर को 3 दफा लोगों ने उतरने नहीं दिया। इनके चुने हुए जो विधायक और मंत्री हैं उनके लिए गांव में लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं कि आप हमारे गांव में नहीं आ सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं है गाँव में जाना, इसलिए इन्हें लोगों से कोई प्यार नहीं, ये तो पैसे से प्यार रखते हैं। तो आपको क्या लगता है एमएसपी पे कानून बनना चाहिए जो लगातार वो मांग कर रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं जिस मुद्दे को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर उनकी सारी बात नहीं मानी जाएगी तो वो कैसे मानेंगे? उनको मनाने के लिए तो उनकी बात को मानना पड़ेगा। विपक्ष 26-18 की चर्चा होनी चाहिए थी जो बिल रद्द किए हैं उनको लेकर के, तो क्या जायज है विपक्ष की मांग? विपक्ष की बात कोई सुनता है क्या? आपकी भी सुनता है क्या कोई? मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री से भी कभी बात करके देखते हैं, उससे एक ही सवाल पूछो कि 2.5 लाख से ऊपर का कर्जा जो आज हरियाणा सरकार पर है वो किस बात का कर्जा है? कहीं विकास के नाम पर कोई ईंट लगी हो तो सड़कें टूटी फूटी उनकी मरम्मत नहीं है, आपको यहाँ तक पहुँचे हुए इस गली में सफाई के नाम पर गली पानी से भरी हुई है, बुरी हालत है। एक सर महंगाई को लेकर क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार अब तो सीएनजी के रेट भी बढ़ गए हैं आपसे? महंगाई किस चीज की मानोगे? किसान के खेत से जो उत्पादन होता है वो तो कोड़ियों के भाव खरीद रहे हैं, और उस उत्पादन से जो प्रोडक्ट बनता है वो महंगा होता जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है बीजेपी के खिलाफ माहौल है लगातार यूपी में? हमारे एक कहावत है कि सारी रात रोइए एक मुड़ा रो भी परोसे, ये बात तो मैंने कर ली है, आपको किसी लोग फिर बार बार रिपीट करते जाओ। नहीं मैं यूपी की पूछ रहा हूँ, यूपी में क्या लगता है? नहीं कहता, सरकार ने जो पिछले उपचुनाव हुए प्रदेशों में उनमें इनकी बुरी तरह से मार पड़ना सब, और इसी डर से प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया कि कानून वापस आए, यूपी का डर है। तो देखिए ये थे ओम प्रकाश चौटाला जी जो बता रहे हैं कि तीनों कृषि बिलों को जो रद्द किया गया है, कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों के चुनाव है वो डर खोप कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा था, और उसको लेकर के ये कृषि बिल रद्द किए हैं और एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल एचआर न्यूज रेवाड़ी।